एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यूनिक एंड टेस्टी मिक्स वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले हम बेसन का बैटर रेडी कर लेंगे। एक बड़ी बाउल बेसन ले लिया है यहाँ पर मैंने। 2 स्पून चावल का आटा डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इससे ब्रेड पकोड़ा का स्वाद एनहांस हो जाएगा। अब हम थोड़ी कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर रेडी कर लेंगे। पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि कोई गुठलियाँ ना रह जाए बैटर में। अच्छे से मिक्स कर ले सभी को। बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा हमें थिक रखनी है ना ज़्यादा पतली रखनी है, एक फ्लोई सेमी थिक बैटर रखना है हमें। अब थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे। अच्छे से सभी को मिक्स कर ले। दो स्पून जितना तेल को गरम करके डाल दे, इससे ब्रेड पकोड़ा एकदम क्रिस्पी बनेगा। अच्छे से मिक्स कर ले, हमारा बैटर रेडी है। वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर काकड़ी ली है, टमाटर लिया है और कैप्सिकम लिया है। आप कोई सी भी अपने पसंद की सब्जी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड की 2 स्लाइस ले लेंगे। यहाँ पर मैंने सैंडविच बनाने का ब्रेड लिया है। एक के ऊपर हरी धनिया की चटनी लगा लेंगे। हरे धनिया की चटनी की रेसिपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इसको बनाने की रेसिपी देख सकते हैं। दूसरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से बटर लगा देंगे हम। अब सभी वेजिटेबल्स को एक ब्रेड पर रख देंगे। अब मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ ऊपर से। अब मैं एक चीज़ स्लाइस इसके ऊपर रख दूंगी। आप चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब दूसरे ब्रेड को इसके ऊपर रख दे और थोड़ा दबा दे। अब हम बीच में से एक कट लगा देंगे। हमारा वेजिटेबल स्टफ ब्रेड रेडी है। अब मैं इस पे बैटर को स्पून की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी, इसके ऊपर अच्छे से। हमें इसे बैटर में डिप नहीं करना, बिकॉज आलू की स्टफिंग वाले पकोड़े अच्छे से चिपक जाने की वजह से टूटते नहीं हैं, बट वेजिटेबल्स होने की वजह से ये बैटर में घुल जाएंगे और टूट भी जाएंगे। इसलिए इसे इस टेक्निक से ही आप बनाएं आपके वेजिटेबल ब्रेड पकोड़े।
अच्छे से हमें एक थिक लेयर इसके ऊपर लगा देना है। खुली जगह पर भी अच्छे से बैटर को डाल दे ताकि वेजीज बाहर ना निकले। अब हम आराम से इसे गरम तेल में डाल देंगे। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई होने देंगे। इस टेक्निक को यूज़ करके आप अगर बनाएंगे तो आपका ये वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा एकदम परफेक्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा तेल हमें ऊपर डालते रहना है। आप सभी ने आलू के स्टफ ब्रेड पकोड़े ज़रूर से ट्राई किए होंगे। एक बार आप इस यूनिक मिक्स वेजिटेबल ब्रेड पकोड़े को ज़रूर से ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चे सब्जियों को खाना अवॉइड करते हैं, तो आप इस तरीके से ब्रेड पकोड़ा बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, उन्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। ब्रेड के ऊपर आप चाहे तो टोमेटो सॉस लगाकर भी इसे बना सकते हैं। इसे आप सैंडविच ब्रेड पकोड़ा भी कह सकते हैं। हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो ब्रेड जल जाएगा, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर से करें। अब हम बिल्कुल आराम से इसे पलट देंगे। अब दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। इसे आप चटनी, टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपके कोई भी सवाल हो इस रेसिपी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। हमारा टेस्टी वेजिटेबल ब्रेड पकोड़ा बन चुका है। इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना टेस्टी बना है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर लें। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपीज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।